बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बंदा नचीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। हमने चैप्टर नंबर 10 के शार्ट क्वेश्चन शुरू किए हुए हैं और इसके 12 क्वेश्चन हमने कम्प्लीट कर लिए। अब करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बाइनरी टू ऑक्टल जाना हमने, बाइनरी टू ऑक्टल। क्वेश्चन नंबर 13, 1 0 1 1 0 1 1 1, और ये किसके अंदर है? वो बाइनरी के अंदर। किसके अंदर चेंज करना है? बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल के अंदर चेंज करेंगे। किसके अंदर चेंज करेंगे? ऑक्टल के अंदर। क्या करेंगे? 3 3 का ग्रुप बना लेंगे, 1 1 1, ए ग्रुप ये बना लिया 1 1, 3 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लेंगे, नीचे एरो भी खींच देंगे, 0 एक ये ग्रुप बन गया, 3 डिजिट का एक ये बन गया, 1 1 0, ए ग्रुप ये बना देंगे 3 3 का, फिर क्या बचेगा? 0 1 0, 1 3 के ग्रुप का ये एक, अपनी तरफ से 0 लगा के एक ग्रुप और 3 डिजिट का बना देंगे। अब 1 1 किसके बराबर है? और बच्चों 1 1 किसके बराबर? 1 1 1 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 7। अब 1 1 0 किसके बराबर है? 1 1 0 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6। 0 1 0 किसके बराबर है? 0 1 0, 0 1 0 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 6 7, 7 क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। हमने बाइनरी को ऑक्टल के अंदर चेंज कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, वन वन जीरो, वन वन जीरो इशारिया 0 1 1, और किसके अंदर? बाइनरी के अंदर है, बाइनरी टू ऑक्टल जाना हमने। बाइनरी को किसके अंदर चेंज करना है? ऑक्टल के अंदर। 3 3 डिजिट का क्या बना लेंगे? ग्रुप बना लेंगे, 0 1 1, पॉइंट आ गया 1 1 0, फिर 1 1 0, इसके नीचे भी एक एरो खींच देंगे, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी एक एरो खींच देंगे। अब हमें 0 1 1 किसके बराबर है? 0 1 1 किसके बराबर है ऑक्टल नंबर में? 3 के बराबर है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3, अशारिया के नीचे अशारिया। 1 1 0 किसके बराबर है? 1 1 0 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 6। 1 1 0 किसके बराबर है? 6 के बराबर है, 66.3। 7 क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। बाइनरी टू ऑक्टल के अंदर चेंज कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। अब क्या करना है? ऑक्टल को बाइनरी के अंदर चेंज करना है, ऑक्टल को बाइनरी के अंदर चेंज करना है। कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल टू बाइनरी, किसके अंदर चेंज कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल टू बाइनरी। 103.45, और किसके अंदर है? ऑक्टल के अंदर। 1 लिख लेंगे, 0 3 पॉइंट आ गया, 4 5। बच्चों जब भी बाइनरी टू ऑक्टल जाना या ऑक्टल टू बाइनरी जाना है क्या करेंगे, कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? टेबल सिस्टम। क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे? टेबल सिस्टम। सबसे पहले टेबल बनाना सीखेंगे। कैसे टेबल बनाएंगे? ऑक्टल नंबर लिख लेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे। बच्चों क्या बना लेंगे? 4 कॉलम बना लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन से नंबर थे? ऑक्टल। अब 3 3 कॉलम बना के उसके ऊपर अब यहाँ से शुरू कर लेंगे, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे 2 0 2 1 2 0 2 1, नेक्स्ट में जाएंगे तो 4 0 4 1, ये हमारा क्या बन गया? बाइनरी टू ऑक्टल बन गया, ऑक्टल टू बाइनरी। और 1 के नीचे भी एरो, 0 के नीचे भी एरो, 3 के नीचे भी एरो और 4 के नीचे भी एरो, 5 के नीचे भी एरो। 1 किसके बराबर है बच्चों? 1 किसके बराबर है? 0 0 1 के बराबर है। 1 किसके बराबर है? 0 0 1 के बराबर है। 0 किसके बराबर है? 0 0 के बराबर है। 3 किसके बराबर है? 0 1 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 1 1 के बराबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 4 किसके बराबर है?
100 के बराबर है, 4 किसके बराबर है 100 के बराबर, 5 किसके बराबर है 101 के बराबर, 5 किसके बराबर 101 के बराबर है। अब क्या करेंगे, इकट्ठा लिख देंगे 001000011 पॉइंट आ गया 100101। साथ बच्चों क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। हमने ऑक्टल को किसके अंदर चेंज कर दिया, बाइनरी के अंदर। अगर बाइनरी टू ऑक्टल जाना या ऑक्टल टू बाइनरी जाना, क्या करेंगे बच्चों, टेबल सिस्टम यूज करेंगे। क्वेश्चन के साथ इसी तरह साथ टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने का तरीका क्या, 4 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर सबसे ऑक्टल नंबर लिख देंगे, इन 3 कॉलम के ऊपर बाइनरी नंबर लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक है। ये 3 कॉलम यहाँ से शुरू कर लेंगे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, 2 0 2 1 2 0 2 1, 4 0 4 1। ये था हमारा कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 107 किसके अंदर है, ऑक्टल के अंदर। हमने ऑक्टल टू बाइनरी जाना, क्या करना पड़ेगा, टेबल सिस्टम यूज करना पड़ेगा। 107, 1 के नीचे भी एरो, 0 के नीचे भी एरो और 7 के नीचे भी एरो। 1 किसके बराबर है, 001 के बराबर है बच्चों। 1 किसके बराबर है, 001 के बराबर है। 0 किसके बराबर है, 000 के बराबर है। 7 किसके बराबर है, 111 के बराबर है, 111 के बराबर। क्या करेंगे, इकट्ठा लिख देंगे वैल्यू बच्चों, क्या करेंगे वैल्यू इकट्ठी लिख देंगे। 7 क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। हमने ऑक्टल को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया, डेसी टेबल सिस्टम के जरिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 16। अब करें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। हमने ऑक्टल को किसके अंदर चेंज करना है, डेसिमल के अंदर। फाइंड करें ऑक्टल, फाइंड करें ऑक्टल टू 359.325। अब देखो क्वेश्चन किसके अंदर दे दिया, और डेसिमल के अंदर दे दिया। हमने डेसिमल को किसके अंदर चेंज करना है, ऑक्टल के अंदर। देखो बेस कितना आ गया 10, मतलब हमारा क्वेश्चन किसके अंदर है, डेसिमल के अंदर है। डेसिमल को किसके अंदर चेंज करेंगे, अगर डेसिमल टू ऑक्टल, अगर डेसिमल को ऑक्टल के अंदर चेंज करना, क्या करना पड़ेगा, 8 के साथ अजी कर देंगे अशारिया, 8 के साथ ज़रब कर देंगे, और इस अशारिये के जो सी दाएं तरफ वैल्यू है इसको 8 के साथ तजी कर देंगे, जो अशारिये के बाएं तरफ वैल्यू है इसको 8 के साथ ज़रब कर देंगे। ये कौन सा कंसेप्ट है, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल है बच्चों। क्या करेंगे 359, क्या करेंगे, अशारिये वाले हिस्से को अलहदा कर देंगे 0.325, इसकी तजी कर लेंगे 8 के साथ, इसको 8 के साथ ज़रब कर लेंगे, इसकी तजी करेंगे 359, 8 के साथ तजी। देखो 8 चौका 32, यहाँ पर 32 कितना आ जाएगा, 39 बन गया। अब 8 चौका 32, अब 39 में से 32 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। इसी तरह फिर 8 के टेबल पर 8 5 40, कितना बचेगा 4, कितना आ गया, इसको नीचे से ऊपर की जानब लिखेंगे 547 पॉइंट आ गया। अब जो सी अशारिया वाली वैल्यू, इसको क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे 8 के साथ बच्चों, क्या करेंगे 8 के साथ ज़रब कर देंगे 0.325, इसको 8 के साथ क्या करेंगे ज़रब, 0.325 मल्टीप्लाई 8, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2.6।
बच्चों 2.6 आ जाएगा इसी तरह। अब यहाँ से ले लेंगे 0.6, क्या ले लेंगे 0.6, इसको मल्टीप्लाई, और यहाँ से ले लेंगे 0.6, ये 2 अपने पास रख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8 के साथ, 0.6 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8। अब यहाँ से क्या ले लेंगे 0.8 मल्टीप्लाई 8, 4 अपने पास रख लेंगे, यहाँ से ले लेंगे 0.8, 0.8 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.4। अब 6 अपने पास रख लेंगे, 4 ले लेंगे 0.4, बच्चों 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 0.4 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2। अब 3 अपने पास रख लेंगे, 0.2 ले लेंगे, 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 0.2 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6। अब देखो फिर दोबारा आ गया 0.6 आएगा, 1 तो अपने पास रख लेंगे और 0.6 हमने पहले भी किया हुआ 0.6 के साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई। अब इसको मज़ीद हल नहीं करना, इसको नीचे से ऊपर की जानब वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू ऊपर से नीचे की जानब, 2, 4, 6, 3, 1, साथ क्या लिख देंगे, हमने डेसिमल को किसके अंदर चेंज किया, ऑक्टल के अंदर, तो 8 लगा देंगे बेस इसकी, इसकी बेस कितनी लगा देंगे 8। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम करेंगे छुट्टी। इसके बाद हम क्या करेंगे, छुट्टी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। बच्चों अगर डेसिमल को ऑक्टल के अंदर चेंज करना है, 9, 3, 2, साथ गया बेस 10, डेसिमल टू ऑक्टल, बच्चों डेसिमल टू ऑक्टल, अगर हमने डेसिमल को ऑक्टल के अंदर चेंज करना है तो इसका क्या कंसेप्ट था, 8 के साथ क्या कर देंगे, तज़ी, अगर अशारिया तो इसको 8 के साथ ज़रब कर देंगे, ये था। अब देखो अशारिया तो है ही नहीं हमारे पास, 8 के साथ सिर्फ क्या करेंगे, तज़ी कर देंगे, 9, 3, 2 इसकी तज़ी करेंगे 8 के साथ, 8 एकम 8, अब 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पर कितना बन जाएगा 13, 8 एकम 8, अब 13 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 52 बन जाएगा, क्योंकि 2 पहले है इसके साथ, 5 इसको दे देंगे तो 52 बन गया। अब 8 5 8 5 40, 8 6 48, 52 में से 48 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, फिर 8 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, अब 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा, बच्चों यहाँ पर कितना बन गया 36, 8 चौका 32, कितना बच जाएगा 4, 32, 36 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, फिर 8 के टेबल पर 8 एकम 8, अब 14 में से 8 निकालेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, अब इसको लिखने का अंदाज क्या हमारा, नीचे से ऊपर की जानब लिखेंगे, बाकी जो सा आया हमारा 1, 6, 4, 4, साथ क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे, हमने किसके अंदर चेंज कर दिया, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर चेंज कर लिया। बच्चों हमने ये चैप्टर नंबर 10 की एक एक्सरसाइज को भी, एक ही एक्सरसाइज थी, इसको भी कंप्लीट कर लिया और इसके शॉर्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है हमारा पेपर 10 नंबर का तैयार हो गया, कितने नंबर का, 10 नंबर का। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।